नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल DSS न्यूज, जहां हम लाते रहते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी हर न्यूज हर घंटे। उज्जैन गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप पर बनाए जाने वाली फिल्म जो कि हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में भी थी और जो कि जय रंधावा द्वारा बनाई जा रही थी, मगर हाल ही में दुर्लभ कश्यप के मामा जी का कुछ बयान आया, तो वो सुनिए। नमस्ते, मैं अनुराग पंड्या, मामा दुर्लभ, माता पद्मा पंड्या और दुर्लभ की गार्जियन सीमा पंड्या आपको ये वीडियो माध्यम से बनाकर देना चाह रहे हैं कि जय रंधावा नामक व्यक्ति ने दुर्लभ के गेटअप पर एक पोस्टर लॉन्च किया है सोशल मीडिया पे, जो कि सरासर गलत है और अवैध है। हमने उस व्यक्ति को दुर्लभ के जीवन पर कोई फिल्म बनाने के अधिकार नहीं दिए हैं और ना ही उसको फिल्म बनाने के अधिकार हैं। ये जो कर रहे हैं ये अवैध है। सीमा पंड्या बहन पद्मा पंड्या दुर्लभ के गार्जियन की मैं बात कर रही हूँ। दुर्लभ के जीवन से संबंधित समस्त कानूनी अधिकार मेरे पास है। हमारे द्वारा दुर्लभ कश्यप के दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा, दुर्लभ कश्यप के रिलेटिव्स जो कि गार्डियन और मामा जी बताए जा रहे हैं, वो लोग ये अनुमति देने से साफ इनकार कर रहे हैं कि दुर्लभ के ऊपर कोई मूवी बननी चाहिए। अब इसके पीछे का कारण क्या, ये हमारी टीम को अभी तक पता नहीं लगा पाई है। अब दोस्तों, ये देख के तो हम ये नहीं बोल सकते कि मूवी पे पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है, पर हम इससे एक चीज तो जरूर निकाल सकते हैं कि अभी इसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश बची है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ, जब तक फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो जाती है। इस बारे में आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगली बार। जय हिंद।